हेलो एवरीवन गाइस, आज मैंने वैसे तो आपको असाइनमेंट करवाना था, पर इस असाइनमेंट में दो चार टॉप मतलब चार पांच टॉपिक हैं, ठीक है। उन में से जो पांचवा टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसमें मुझे एक डाउट है, ठीक है, मतलब अच्छे से मुझे नहीं आता, इसमें एक डाउट है और लॉकडाउन की वजह से वो डाउट भी क्लियर नहीं हो पा रहा और ना व्हाट्सएप पे क्लियर हुआ मेरा वो डाउट मैम से। तो इसीलिए मैं आज आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल जो मेथड है वो कराऊंगी। अगर आपको ये है कि भाई मुझे जितना आता है मैं उतना करा दूं असाइनमेंट तब तक जब तक लॉकडाउन खुलता है, तो मैं डाल दूंगी लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम की वीडियोस, जैसे कि उसमें फिर मैं आपको क्या कराऊंगी, बस ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन को छोड़ के और जितने भी अपने हैं क्वेश्चन जितना भी कवर हो रहा है, जैसे ये तो पांचवा टाइप है, इसमें जो सेकंड टाइप है थर्ड टाइप है सारे टाइप करा दूंगी। मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको 70-75% रेडी करवा सकती हूँ चैप्टर असाइनमेंट। और ट्रैवलिंग सेल्समैन हम तब कर लेंगे जब मेरा वो डाउट क्लियर हो जाएगा मैम से, या फिर अगर इकट्ठी सारी ही बाद में डालनी है वीडियोस तो वो भी मुझे आप बता देना कमेंट करके। तो उसके बाद चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ केयरफुली सुनना, जो आपके चैप्टर्स बीकॉम में है एज इट इज़ ओआर में, एलपीपी, ड्यूअलिटी, ड्यूअल सिंप्लेक्स, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, गेम थ्योरी, ये है ना आपके पास चैप्टर आपके ओआर में बीकॉम में। अगर कोई एमकॉम करना चाहता है आगे या एमबीए करना चाहता है तो एज इट इज़ बुक है ये एमकॉम में, एज इट इज़। मेरा एमकॉम सेकंड सेमेस्टर है और ये ओआर मेरा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर और बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में था, और एज इट इज़ बुक मेरी लगी है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में, मेरे को नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेम मेरी वही बुक है बीकॉम वाली। और जो जो मेरे चैप्टर्स एमकॉम में है, देखो इनके आगे मैंने एमकॉम भी लिखा हुआ है, ये नहीं है, दो चार और है इनके अलावा। तो मैं आपको यही बात बोलूँगी बीकॉम वालों, जो भी आप ये चैप्टर्स कर रहे हो को अच्छे से कर लो, नहीं तो फिर एमकॉम में फिर आएगा ये ओआर, फिर अटकोगे आप इसमें। तो इट्स बेटर कि आप अभी अच्छे से कर लो। तो आज मैं आपको ये एलपी ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिक मेथड कराऊंगी, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर, देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें ना हमें स्टेटमेंट दी होती है, जैसे कि ये स्टेटमेंट दे देंगे आपको, जैसे एग्जांपल नंबर 3 दिख रहा है, इसमें आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है और इससे आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी होती है, जैसे कि ये देखो एग्जांपल नंबर 6, इस एग्जांपल नंबर 6 में आपको स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, फिर आपने उस स्टेटमेंट की हेल्प से इक्वेशन बनानी है, आपको इक्वेशन बनी बनाई नहीं आएगी एग्जाम में, एक स्टेटमेंट होगी उससे फिर आपको नीचे इक्वेशन बनानी होगी वो पढ़ के। और बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसे कि एग्जांपल नंबर 34 आप देख रहे हो, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दे दी और आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट ही आएगी। ये देखो जैसे एग्जांपल नंबर 33 है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इससे पहले आप अपनी इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे, राइट। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनती है, मेन चीज तो यही है ना। तब जैसे कि अगर आपने मान लो ये सीख भी लिया ये ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफिकली मेथड आ भी गया, पर पेपर में अगर आपसे इस स्टेटमेंट की इक्वेशन ही नहीं बनी तो आप आगे उसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली बात आपसे नहीं होगा सॉल्व, वो सारा गलत जाएगा आगे अगर इक्वेशन गलत बनी तो। तो पहले इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर ग्राफिकली मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी पूरा, मतलब ग्राफिकली सॉल्व करके, उसके बाद फिर मैं आपको सिंप्लेक्स कराऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तभी मैंने पहले लीनियर प्रोग्रामिंग छेड़ा है चैप्टर, क्योंकि सिंप्लेक्स में भी देख लो, सिंप्लेक्स मेथड में इस चैप्टर में भी स्टेटमेंट दी होगी आपको, उससे फिर आप ये इक्वेशन बनाओगे और फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। तो मेन चीज घुमा फिर आगे वो ये, आपको इक्वेशन आनी चाहिए बनानी, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइज। तो दो तीन वीडियोस में मैं आपको यही प्रैक्टिस कराऊंगी कि स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे,
उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व कराऊंगी और फिर अपना लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली है जो ग्राफिक मेथड वो खत्म हो जाएगा और फिर अपन सिंप्लेक्स पे आएंगे। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है के चावला, उनके राइटर्स हैं के चावला, विजय गुप्ता, भूषण के शर्मा और पब्लिशर है कल्याणी। गाइस क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स वाई जेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज बीन आस्क्ड टू हेल्प अ क्लाइंट टू डेवलप एन एडवर्टाइजिंग बजट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। एक्स वाई जेड नाम की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो कि एडवर्टाइजमेंट करती है क्लाइंट के कहने पर प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की। एडवर्टाइजिंग फंड्स आर टू बी स्पेंड ऑन बोथ टेलीविजन एंड मैगजीन। और जो फंड्स जो फंड्स हैं जो खर्च होने हैं वो किस पे होने हैं, टेलीविजन और मैगजीन पे, ठीक है। द क्लाइंट हैज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, और जो क्लाइंट है उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स अपनी स्पेसिफाइड की है वो क्या है। कह रहे हैं नो मोर देन रुपीज 2 लाख इज टू बी स्पेंड ऑन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा टेलीविजन, 2 लाख से ज्यादा टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं होना चाहिए, राइट। वर्ड देखो वो क्या यूज कर रहा है, नो मोर देन, नो मोर देन मतलब 2 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख से कम हो सकता है खर्च पर 2 लाख से ज्यादा नहीं। गाइज जो ये वर्डिंग है ये ही हेल्प करेगी हमें क्वेश्चन बनाने में। सो प्लीज अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना। आगे कह रहा है एटलीस्ट रुपीज 1 लाख मस्ट बी स्पेंड ऑन मैगजीन अनाउंसमेंट। कह रहे कि कम से कम 1 लाख के ऊपर, कह रहे कि 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट पर। और सेकंड पॉइंट पे कह रहा है कि एटलीस्ट रुपीज 1 लाख मस्ट बी स्पेंड ऑन मैगजीन, कि कम से कम मैगजीन पे 1 लाख स्पेंड करना ही करना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम कितना, 1 लाख। अभी जस्ट मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को, अभी जब मैं आपको अभी नीचे इक्वेशन बनाऊंगी तो मैं एज इट इज कंपेयर करके मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं। अभी जस्ट रीडिंग हो रही है क्वेश्चन की। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रुपीज 5,000 इन टीवी एंड रुपीज 2,000 इन मैगजीन रिस्पेक्टिवली। कि जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो 5,000 टीवी पे हो रही है और 2,000 मैगजीन पे रिस्पेक्टिवली, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है किसका, टोटल एक्सपेंडिचर टीवी का और मैगजीन का, नोट एक्सीड रुपीज 5 लाख, 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका किसका खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए 5 लाख से, टीवी और मैगजीन का, राइट। फ्रॉम प्रायर मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज द एजेंसी हैज डिटरमाइंड दैट 300 पीपल आर एक्सपोज टू मैसेज फॉर ईच रुपीज स्पेंड ऑन टेलीविजन। मतलब कि जो पहले रिसर्च की गई थी, जो पहले स्टडी की गई थी, उससे क्या पता चला, ये पाया गया द एजेंसी हैज डिटरमाइन, कि जो एजेंसी है डिटरमाइन कर रही है 300 लोगों को टेलीविजन के लिए और 200 मैगजीन के लिए, ठीक है, मोटा मोटा बता रही हूँ। डिटरमाइन द अमाउंट्स टू बी स्पेंड ऑन टेलीविजन एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। कह रहे कि डिटरमाइन करो, ये बताओ कि जो टेलीविजन और मैगजीन की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो अमाउंट स्पेंड खर्ची गई है, टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट ओनली प्रिपेयर LP मॉडल एंड डू नॉट सॉल्व। कह रहे कि सिर्फ इक्वेशन बना दो, उसको आगे सॉल्व नहीं करना, बस कह रहे कि LP मॉडल इक्वेशन बनानी है सिर्फ। अब गाइज इक्वेशन देख लो कैसे बनेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, बताती हूँ मैं क्यों लिखा ये, थ्री हंड्रेड X1 प्लस 200 X2। देखो मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज क्यों लिखा, मिनिमाइज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें वो मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। देखो मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल,
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है या मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, राइट। इसमें देखो मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, या फिर मैक्सिमाइज अगर वो नहीं लिखेगा ना तो मैक्सिमाइज की जगह वो क्या लिख देगा, प्रॉफिट, जो वर्ड वो यूज कर सकता है मैक्सिमाइजेशन के लिए, मैक्सिमाइज के लिए जो वो वर्ड यूज कर सकता है वो क्या कर सकता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा हो सकता था तो भी आप यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड लिखते, यहाँ पे मैक्सिमाइज की जगह रेवेन्यू, सेल्स। देखो जो शॉपकीपर होता है वो प्रॉफिट क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमाइज मतलब ज्यादा, मतलब अगर प्रॉफिट लिखा होगा तो भी आप मैक्सिमाइज लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन में, प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ये चीज मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भी बताई थी आपको। सेल्स, सेल्स क्या चाहोगे आपकी, ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। या फिर रेवेन्यू, हाँ अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट मिनिमाइज लिखा होगा यहाँ पे, अगर डायरेक्ट मिनिमाइज नहीं लिखा होगा तो वो इनडायरेक्टली क्या बोलेगा, वो कॉस्ट की बात करेगा। अब कॉस्ट मतलब पूंजी, अब हर एक कोई चाहता है, हर एक बंदा चाहता है कि जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम आए, मिनिमाइज, राइट, कॉस्ट की बात करेगा। या फिर लॉस, लॉस लिखा होगा तब भी मिनिमाइज का क्वेश्चन होगा वो, तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप आपको आगे होगी समझ में मैक्सिमाइज कैसे आया। क्वेश्चन पढ़ना है, डिटरमाइन द अमाउंट्स टू बी स्पेंड ऑन टेलीविजन एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो मैक्सिमाइज आ गया। अब मैक्सिमाइज के आगे ये चीज कैसे आई, मतलब 300 एंड 200 आप सोच रहे होगे कि मैंने ये ही क्यों चके, ऊपर भी तो दिए हुए हैं इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ये भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे वो मैक्सिमाइज की बात कर रहा है और मैक्सिमाइज के आगे वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड, और जो एक्सपोजर की बात की गई है वो तो इसी में की गई है, 300 पीपल आर एक्सपोज्ड, 200 पीपल आर एक्सपोज्ड, राइट। तो नीचे बोल रहा है मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज्ड, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमाइज के आगे ये 300 और 200 आएगा, और X1 और X2 तो हम लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो X1 X2 तो लगाओगे आप, राइट। मैक्सिमाइज के आगे वो एक्सपोजर की बात कर रहा है और एक्सपोजर यहाँ ये शो कर रहा है कि 300 पीपल आर एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड के आगे ये फिगर्स लिखी हुई है, तो आप मैक्सिमाइज के आगे ये ही लिखोगे। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉल करते हैं हम इसे, और प्रॉफिट फंक्शन भी बोल देते हैं। कीप इन माइंड प्रॉफिट फंक्शन लिखा होगा कई क्वेश्चंस में और कई में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शन नहीं ऑब्जेक्टिव, कुछ भी कह लो एक ही बात है, ये फॉर्मेट है एक तरह से इक्वेशन का। आगे लिखोगे सब्जेक्ट टू कोमा, ठीक है, सब्जेक्ट टू कोमा। अब लिखोगे आप कंस्ट्रेंट्स, ओआर की लैंग्वेज चलो मैं बाद में यूज करूंगी, कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं, अब सिंपल देख लो पहले इक्वेशन का। अब यहां पे आ जाओ, पहली बात वो कह रहा था कि नो मोर देन रुपीज 2 लाख, कह रहे कि 2 लाख से ज्यादा टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए तो आप कैसे करोगे। नीचे देखो कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे ऊपर टेलीविजन की बात कर रहा है, ये मुश्किल होती है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी, ठीक है, ऐसे आसान नहीं होती कि भाई एक या दो करी तो आ जाएंगी ना। इसके अलावा मैं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन की और स्टेटमेंट कराऊंगी सेम ऐसे ही। नो मोर देन 2 लाख, 2 लाख किस पे, टेलीविजन पे। और नीचे देखो और कहां हो रही है टेलीविजन की बात, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रुपीज 5000 इन टीवी, तो एक ये हो गया हमारे पास अमाउंट टीवी का 5000 और एक टेलीविजन का ये हो गया 2 लाख, तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी 5000 X1, क्योंकि एक ही अमाउंट है तो X1 ही आएगा, और अगर यहाँ पे दो अमाउंट होती है टीवी की तो प्लस
वो जो अमाउंट होती है x2 करके लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या कह रहे हैं कि नो मोर देन रुपीज 2 लाख, कह रहे कि 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने, 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने। तो आपका जो ये साइन है वो ये ऐसे आएगा, इस तरफ खुलेगा, और हमेशा ऐसे ही होएगा हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टेटमेंट में। नो मोर देन की बात कर रहा है, या फिर किसी और लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि इतना ही अमाउंट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपका साइन हमेशा ऐसे जाएगा, हमेशा। अब आगे देखो, एट लीस्ट रुपीज 1 लाख मस्ट बी स्पेंड ऑन मैगजीन अनाउंसमेंट्स, कह रहे कि मैगजीन पे कम से कम 1 लाख रुपए स्पेंड करने ही करने हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और नीचे कॉस्ट कितनी बता रहा है मैगजीन की, 2000। तो 2000, अब यहाँ पे x1 नहीं लिखना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये 300 किसके लिए था, टेलीविजन के लिए था, ये 300 देखो टीवी के लिए था, और इसको हमने x1 माना, और 200 मैगजीन के लिए था, तो 200 हम मतलब मैगजीन को हमने x2 माना। तो ये ऊपर हमने किसका लिखा है, ये ऊपर ये 5000, ये वाली इक्वेशन किसकी लिखी है, इसकी टीवी की, तो इसलिए x1 यूज किया। अब क्योंकि हम मैगजीन का लिख रहे हैं, 2000 मैगजीन एटलीस्ट है, मतलब ऊपर x1 लिखा, यहाँ पे x2 लिखोगे, क्योंकि हमने ये वाली चीज देखो, यहाँ पे 300 था, ये 300 टीवी के लिए था, तो 300 के आगे x1 लिखा, मतलब टीवी को हमने रिप्रेजेंट किया x1 से, और 200 मैगजीन के लिए था, तो 200 के आगे x2 लिखा, मतलब मैगजीन को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से मैगजीन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है x2 से। तो ऊपर अपना ये किसका कंस्ट्रेंट था, टेलीविजन कॉस्ट कंस्ट्रेंट। देखो जो ये वाली चीज होती है ना, ये वाली चीज, ये जो साइन होता है इसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे आगे लिखोगे आप टेलीविजन, पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टेलीविजन कॉस्ट कंस्ट्रेंट, राइट। अब x2 समझ आ गया कैसे आया 2000 के आगे, क्योंकि मैगजीन की बात कर रहे हैं। ये रही कॉस्ट, और यहाँ पे आओ, कह रहा है एट लीस्ट रुपीज 1 लाख मस्ट बी स्पेंड ऑन मैगजीन की, कम से कम 1 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब अपना जो साइन है वो इस तरफ आएगा। और ये आपका हो जाएगा मैगजीन कॉस्ट कंस्ट्रेंट। अब हमने इसकी भी इक्वेशन बना ली, इसकी भी बना ली, ठीक है, साथ के साथ टिक करते जाना। ये भी हमने कवर कर लिया। अब इसमें एक लाइन देखो क्या चीज कह रहा है। देखो हमने ये अमाउंट भी इक्वेशन में डाल ली, ये वाली भी डाल ली, एक ये 5 लाख वाली अमाउंट रहेगी। देखो 300 भी कर लिया और ये 200 भी कर लिया, राइट। पर ये 5 लाख वाली एक फिगर रहेगी ना हमारी इक्वेशन में डालनी। तो देखो रीड करो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रुपीज 5000 इन टीवी, टीवी की जो कॉस्ट है 5000 है, और 2000 मैगजीन की, टोटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी एक्सीड रुपीज 5 लाख, कि दोनों का जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो इसको, टोटल एक्सपेंडिचर किसका, टीवी का और मैगजीन का, x2 टोटल एक्सपेंडिचर किसका, टीवी का और मैगजीन का। तो मैंने यहाँ टीवी लिख दिया, यहाँ पे मैगजीन लिख दिया, टोटल मतलब जोड़ दोगे दोनों को, प्लस कर दोगे, शुड नॉट एक्सीड 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 5 लाख है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। तो साइन आपका अगेन इस तरफ जाएगा। याद है जब हमने ये किया था तो हमारा साइन इसी तरफ गया था, तो इसमें क्या था, नो मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं, नो मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 लाख है,
तो अपना साइन किस साइड गया था, इस साइड। अब आगे भी तो वो वही चीज कह रहा है, शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कह रहे कि 5 लाख। तो अपना साइन अगेन इस साइड गया, एटलीस्ट 1 लाख, कह रहे कि कम से कम 1 लाख खर्चा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो अपना साइन गया इस साइड। ठीक है, दिमाग में रखना ये चीज, इसी से ही हमारे साइन बनते हैं। और यहां आ जाएगा आपका 5 लाख। ये आपका था कौन सा कंस्ट्रेंट था, एक्सपेंडिचर कंस्ट्रेंट। वेयर एज X1 और X2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये नॉन नेगेटिविटी सिचुएशन होती है हमारी। नॉन नेगेटिविटी मतलब कि जो अपना जो X1 और X2 है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। देखो ये अपना होता है ग्रेटर देन, और अगर नीचे आप इसके ये लगा दोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। तो मतलब कि इस वाले में जो X1 X2 है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। राइट, अब थ्योरी में रीड कर लो चाहिए, ये देखो नॉन नेगेटिविटी में क्या लिखा है, X1 and X2 बीइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट्स P1 and P2 कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज, थस बोथ ऑफ देम कैन अज्यूम वैल्यू ओनली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये ऐसे या फिर ऐसे। राइट, कह रहा ओनली ग्रेटर देन, हमेशा ये इससे बड़ा ही होगा। तो गाइज ये बन चुकी है हमारी क्वेश्चन। बस इसमें क्या चीजें होती है, एक तो तीन होती हैं, देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करके आपने लिखना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट टू में ये इक्वेशंस आती हैं बीच वाली, और ये जो साइन होते हैं इसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं ओआर के लैंग्वेज में। और लास्ट में वेयर एज, दो ही थे इसमें X1 और X2, इसलिए X1 और X2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे X3 भी होता तो X1, X2, X3 भी आ जाता। तो ये नॉन नेगेटिव सिचुएशन होती है हमारी। तो गाइज आई होप आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट वीडियो में सेम मैंने आपके लिए क्वेश्चंस उतार के रखे हुए, देखो एक ये इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी, एक ये कि ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, बस स्टार्ट करना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।